इस पत्ते में सूरज की किरणों को सबसे ज्यादा मात्रा में सोखने की क्षमता होती है। अगर आप इसे पानी पर रखते हैं तो इसका तना हमेशा उत्तर की ओर होगा। इस पत्ते के सेवन से इंसानी गतिविधि को एक अलग स्तर तक ले जाया जा सकता है। आप देखेंगे कि यह आपको सोने नहीं देगा, इसका तना इतना संवेदनशील होता है कि यह बोध का स्रोत बन जाता है। सतगुरु, यह सौरव की तरफ से है। वो जानना चाहते हैं कि देवी को चढ़ाए जाने वाले पान के पत्तों का क्या महत्व है। तो इसका मतलब है कि आपने उसे खाया नहीं। आप जानते हैं, लोग पान के पत्ते पर कालिख देखकर भविष्य बता देते हैं या पढ़ लेते हैं। तो एक संस्कृति है जहां दिए की कालिख को पान के पत्ते पर इकट्ठा किया जाता है। हो सकता है आप में से कई लोगों को यह पता ना हो कि पान का पत्ता क्या होता है। भारत में इसका बहुत महत्व है, ये बहुत अच्छा पाचक है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर आपने अपने खाने में कुछ विषैला खा लिया है तो ये उसको निष्क्रिय कर देता है। कोई भी अम्लीय जहर बेअसर हो जाता है, कोबरा का जहर भी ये उसको कुछ हद तक निष्क्रिय कर सकता है, कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से रोक देगा, लेकिन ये कई पहलुओं को कम कर देता है। इसलिए खाने के अंत में लोग इस वेथलाई या विलेडेले या तांबुल का सेवन करते हैं। मार्शल संस्कृति में अगर कोई तमालपाकू उठाता है तो इसका मतलब है कि वो एक जोखिम भरा कदम उठा रहा है, वो दुश्मन का डट कर सामना करने को तैयार है। ये एक आत्मघाती मिशन की तरह होता है। आज आधुनिक शहर में, भारत के शहरी इलाकों में क्राइम गैंग वाले इसे सुपारी कहते हैं। इसका मतलब है, मैंने तुम्हारे ऊपर सुपारी ली है, मतलब मैं आकर तुम्हें मारने वाला हूं। तो वहां बस ये बात फैल जाती है कि इसके ऊपर सुपारी ली गई है, जो भी इसे मारेगा उसे सुपारी मिलेगी, बेशक इसकी कीमत होगी। तो ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अगर मैं तांबूल उठाता हूं, इसका मतलब मैं एक आत्मघाती मिशन के लिए तैयार हूं। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं कि इस पत्ते के सेवन से मानव गतिविधि को दूसरे स्तर पर ले जाया जा सकता है। और ये पत्ता तभी काम करता है जब इसका तना कम से कम 1 इंच का हो। अगर आप इसे ज्यादा पास से काट देते हैं तो इसमें वो बात नहीं रहती। ये पत्ता, मुझे पता है कि लगभग किसी भी पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये विशेष पत्ता, अगर आप इसे पानी पर रखते हैं तो इसका तना हमेशा उत्तर की ओर रहेगा। आप ये जानते हैं, अगर आप इसे पानी में, शांत पानी में डालते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से इस ओर मुड़ जाएगा और उत्तर की ओर इशारा करेगा। इसलिए अगर आप जंगल में खो गए हैं और आपके पास एक पान का पत्ता है तो आप इसे वहां पानी में डाल दें, यह आपको दिखाता है कि उत्तर किस ओर है। एक बार आप उत्तर दिशा जान गए तो बाकी सभी दिशाएं आप जान लेंगे, मुझे उम्मीद है। पान का पत्ता और बोध आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल उत्तेजक बल्कि तंत्रिका उत्तेजक है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी नसें हल्की इस तरह हो जाएंगी, तो आपके न्यूरोलॉजिकल जटिलता और न्यूरोलॉजिकल गतिविधि और आपका बोध सीधी तरह संबंधित हैं। किसी भी दूसरे प्राणी की तुलना में एक इंसान चीजों को समझने में ज्यादा सूक्ष्म इसीलिए होता है
क्योंकि हमारे पास सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। दरअसल बाकी किसी भी प्राणी की तुलना में आपको बेहतर सुनना चाहिए, आपको बेहतर देखना चाहिए, आपको बेहतर सूंघना चाहिए, लेकिन शहरों में रहते हुए ये चीजें नीचे आ गई हैं। अगर आप प्रकृति में रहते होते तो ये चीजें बहुत ही सतर्क होती। बस यूं ही आप ज्यादातर प्राणियों से सूंघने, देखने, सुनने, हर चीज में कई ज्यादा बेहतर होते, मगर ये नीचे आ गई हैं, क्योंकि शहरी समाज में रहने पर देखने वाली, सुनने वाली और सूंघने वाली सभी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उस वजह से ये एक तरह से कम होती चली गई। वरना अगर कोई व्यक्ति प्रकृति में रहता है तो उसकी पांचों इंद्रियां उच्चतम स्तर की होती हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। उस पर थोड़े से उछाल से आप स्वाभाविक ही समझने लगते हैं। इसलिए बोध के लिए जो भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें हमेशा एक पान का पत्ता होता है। वेथलाई निश्चित ही वहां होगा। इसलिए देवी, हनुमान और कई दूसरे देवी देवताओं को हमेशा इस विशेष पत्ते से ढका जाता है और फिर इस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज जब किसी को छूती है तो वो एक छाप छोड़ती है। अभी आप यहां बैठे हैं, अगर हम आपके जाने के बाद आपके कुत्ते को लाते हैं तो उसे पता होगा कि आप कहां बैठे थे, हाँ या ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने बदबूदार हैं, लेकिन कुत्ता पता लगा लेगा, है ना? आप कहां बैठे थे वो भ्रमित नहीं होगा, उसे पता चल जाएगा कि आप कहां बैठे थे। इसका मतलब है कि कुछ आपने छोड़ा है। इसलिए किसी भी संपर्क में आप हमेशा कुछ छोड़ते और कुछ लेते हैं। इसे ही हम ऋणानुबंध कहते हैं। यही कारण है कि एक योगी जो विकास करना चाहता है, एक योगी जो तरह तरह के प्रभावों से भ्रमित नहीं होना चाहता, वो आमतौर पर शारीरिक संपर्क से बचता है। और अगर आप उससे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे करता है, क्योंकि अनावश्यक संपर्क जरूरी नहीं है। यूं ही ये आपके बोध को भ्रमित कर देगा। निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप इंसानों से संपर्क के लिए बेताब रहते हैं तो आप जिसे भी देखते हैं जाकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर अच्छे से हैं, आप देख रहे हैं कि इस जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, तो आप कम से कम संपर्क करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा संपर्क भ्रम पैदा करेगा आपके जीवन को उसके मूल स्वरूप में देख पाने की क्षमता में। Now, Vetalpaku or Vetale particularly enhances that. So anything connected with Devi always is related Vetale. अब पान सुपारी या खासकर पान का पत्ता इसे बढ़ाता है। इसलिए देवी से जुड़ी कोई भी चीज हमेशा इससे संबंधित होती है। यह अजीब है, आप जानते हैं, क्योंकि कई भारतीय इस पर लड़ते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये क्या है। इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें ये पत्ता देवी की ओर करके रखना चाहिए। नहीं, हमेशा तना देवी की ओर रखें। ऐसा लगता है जैसे ये आपको भेंट किया गया है, लेकिन ये ऐसा ही है, ये आपके लिए है, क्योंकि पान के पत्ते का तना चीजों का बोध करने में सक्षम होता है। सुपारी यानी बीटल और इस पत्ते का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, इसलिए अंग्रेज इसे बीटल लीफ कहने लगे। ये बीटल लीफ नहीं, ये पान का पत्ता है, सुपारी अलग है। तो किसी भी दूसरे पत्ते की तुलना में इस पत्ते में प्रति वर्ग इंच सबसे ज्यादा मात्रा में सूरज की किरणों को सोखने की क्षमता होती है। इसलिए यह सिर्फ छाया में ही उगता है, यह सूरज की रोशनी नहीं ले सकता, क्योंकि यह बहुत ज्यादा सोखता है। तो सोखने की इस क्षमता के कारण विशेष रूप से इसका तना इतना संवेदनशील होता है कि यह बोध का स्रोत बन जाता है, और यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो यह आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ाता है, जिसके कारण आपके बोध को भी। और अगर ये देवी के संपर्क में है, यानी इसका तना देवी की ओर है, तो ये देवी के जो भी गुण हैं ये उन्हें भी सोख लेता है, और तब आप इसे अपने सिस्टम में डालना चाहते हैं, यही उद्देश्य है। या फिर लोग इसे यूं ही अपने शरीर पर लगा लेते हैं। कुछ लोग इसे अपने मणिपूरक या नाहत या विशुद्धि में लगाते हैं। ये चीजें ना करें, क्योंकि इसके लिए खास तैयारी की आवश्यकता होती है, लेकिन आप इसका सेवन कर सकते हैं।
हर दिन नहीं, कभी कभार अगर आप चाहें आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये निश्चित ही आप देखेंगे कि थोड़ा उछाल लाएगा। ये उत्तेजक है पर कॉफी या चाय की तरह नहीं। ये उतना ज्यादा तेज नहीं है पर यह काम करता है। अगर आप भारी खाना खाते हैं और उसके बाद पान का पत्ता खाते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपको सोने नहीं देगा, लेकिन आप ज्यादा उत्तेजक महसूस नहीं करेंगे। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हल्की सक्रियता आती है, तो इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। और पान के पत्ते की यह भी एक परंपरा है, इसे कभी भी लंबाई में नहीं फाड़ना चाहिए, क्योंकि पान के पत्ते की रीढ़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको इसे लंबाई में नहीं फाड़ना चाहिए। अगर आप इसे बांटना चाहते हैं, अगर आपका पत्ता इस तरह है तो आपको इसे इस तरह से काटना चाहिए, लेकिन इसे इस तरह कभी ना काटें। तो इसे दर्शाने के लिए हमारे यहाँ एक कहानी है। जरासंध नाम का एक राजा था। जरासंध बहुत शक्तिशाली था और उसने कठोरता से शासन किया। वो भारत के पूर्वी हिस्से में था। उसके अपने राज्य को चारों ओर फैलाने की महत्वाकांक्षा थी। तो कृष्ण नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो वहां गुप्त रूप से गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को प्रकट कर दिया। जरासंध एक महान पहलवान और योद्धा था, इसलिए जब उन्होंने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया तो उसने कहा, तुम चुनो, जिस भी तरीके से तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। तो कृष्ण ने कहा, तुम्हें भीम के साथ कुश्ती लड़नी होगी। जरासंध भीम की तरह शक्तिशाली और भीम के जैसा ही कुशल था, तो उसने कहा ठीक है। तो वो एक कुश्ती मैच में उतर गए। कहते हैं कि यह मैच 13 दिनों तक चला। हो सकता है वो रात में सोते होंगे, लेकिन 13 दिनों तक मैच बिना किसी फैसले के चलता रहा। दोनों पूरी तरह थक गए थे, वो खड़े भी मुश्किल से हो पा रहे थे। दोनों बुरी तरह थक गए, पर हारा कोई नहीं था। कृष्ण वहीं बैठे रहे और जरासंध को देखते रहे। जो भी करो ये आदमी मरता ही नहीं, ये क्या है? उन्होंने इस पर गौर किया। तब उन्होंने देखा कि उसे वरदान मिला हुआ है। जब तक उसके दो टुकड़े न किए जाएं, वो नहीं मरेगा। तो कृष्ण वहां बैठकर पान और सुपारी खा रहे थे। उन्होंने एक पान का पत्ता उठाया। एकदम चिड़चिड़ाहट के साथ भीम ने उनकी तरफ देखा। मैं करूं तो करूं क्या, मैं थक चुका हूं, यह बंदा मरता ही नहीं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। यह चलता ही जा रहा है, क्या करना चाहिए? कृष्ण ने पान का पत्ता लिया और उसे लंबाई में चीर दिया। अगला काम भीम ने भी यही किया। उसने उसके दोनों पैरों को पकड़कर उसको चीर दिया और उसे अखाड़े के दोनों किनारों पर फेंक दिया। वो मर गया। तो एक पान के पत्ते को इस तरह बीच से लंबाई में चीरना सही चीज नहीं है। घरों में ऐसा कभी नहीं किया जाता। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप हमेशा इस तरह से आधा करें, क्योंकि शायद यह बस एक कहानी है आपको बताने के लिए, लेकिन जरूरी बात यह है कि पत्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रीढ़ है। इसलिए अगर आप इसे किसी के साथ बांटते हैं तो उन्हें भी तने का टुकड़ा मिलना चाहिए। अगर आप इसे ऐसे फाड़ते हैं तब या तो यह आपको मिलेगा या उन्हें, दोनों को नहीं मिल पाएगा। तो जब आप इसे इस तरह आधा करेंगे तब एक तरह से रीढ़ या तना दोनों को मिलेगा। तो यही वजह है कि पान का पत्ता और देवी बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों बोध के लिए हैं, दोनों ही मानवीय बोध को बढ़ाने के लिए हैं।